ब्रज 84 कोस की पुनीत पवित्र यात्रा आप लोग कर रहे हैं। अब इन सब संदर्भों में, इन स्थानों के विषय में हम क्या कहें, यहां तो आप सब दर्शन करके आए हैं। दाऊद जी महाराज, आहा, बड़ा ही सुंदर स्थान है जहां श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी महाराज विराजमान हैं। और बलराम जी महाराज तो आप जानते हैं शेष अवतार हैं, और राम अवतार में वही लक्ष्मण बन के आए थे, कृष्ण अवतार में वही बलभद्र बनकर आए श्री बलराम जी महाराज। निश्चित तौर पर उनका एकमात्र उद्देश्य है भगवत सेवा, चाहे बड़े हो चाहे छोटे, उद्देश्य एकमात्र भगवान की सेवा। ध्यान रखिए, कितने भी बड़े कुल में तुम्हारा जन्म हो, कितने भी बड़े परिवार में तुम्हारा जन्म हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम संत से भी हो कि नहीं, भगवत से भी हो कि नहीं, भगवान के चरणों में आपकी अगाध श्रद्धा है कि नहीं, इस बात से फर्क पड़ता है। भगवान भोलेनाथ इस ब्रज में कई स्थानों पर विराजमान है। कल भी जहां तक मैंने सुना है, कल आप एक और स्थान पर शंकर भगवान का दर्शन करने वाले हैं ब्रज में ही। तो अनेकों स्थानों पर बाबा भोलेनाथ, ये सेवा भाव ही है उनका। तो वैसे ही शेष अवतार से बलराम जी महाराज सेवा भाव को संकल्पित होकर श्री कृष्ण की सेवा के लिए श्री बलराम जी महाराज। और देखिए, जब तक बलराम जी रहे, कृष्ण जी को ज्यादा युद्ध नहीं करना पड़ता था, बलराम जी ही सिलटा दे देते उनको चकाचक सही ठिकाने पे। अब संयोग से कभी बलराम जी उस स्थान पर नहीं है और कोई बीच में आ गया तो फिर कन्हैया को देखना पड़ता था। पर बलराम जी की कोशिश यही होती थी कि मेरे कृष्ण को कुछ न कष्ट हो, उसके उस तरफ देखने वाले कष्ट को भी मैं समाप्त कर दूं, उसको नाश कर दूं। ऐसे श्री बलराम जी महाराज, जिनके आपने जाकर एक भक्त की बहुत अच्छी बात आप देखें कि श्री शंकर भगवान स्वयं बताते, ब्रह्मा जी बताते इस बात को, बलराम जी महाराज के नेत्र लाल लाल हैं। तो कई लोग ऐसा प्रचार भी करते हैं कि भगवान बलराम जी भांग खाते हैं इसलिए उनके नेत्र लाल हो जाते हैं। नहीं, शंकर भगवान कहते हैं आप किसी व्यसन के वशीभूत होकर आपके नेत्र लाल नहीं हैं। तो बोले, ये जो आपके नेत्र लाल हैं, अहर निश सर्वेश्वर श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का जो रस पान आप करते रहते हैं, उसकी वजह से आपके नेत्र लाल है। रूप सुधा नित पीवत हो तुम, तासो नैना लाल। अच्छा, एक बात बताओ, जिसे आदत पड़ जाए कृष्ण दर्शन की नशा की, या कृष्ण भगवान की कथा सुनने का जिसे नशा पड़ जाए, वो दुनिया की नजर में नशेड़ी हो जाता है कि नहीं? भैया गजब का आदमी है। जब देखो जब वृंदावन, इसे तो वृंदावन के अलावा सूझता ही नहीं, ऐसा लगता है नशा हो गया इसको तो वहां का। वैसे दो प्रकार के नशा होते हैं, एक नशा गिरा देता है और एक नशा उठा देता है। अगर संसारिक व्यसनों के नशे को आप करेंगे तो वो आपको गिरा देगा, और अगर भगवत कृपा कथामृत रसास्वादन दर्शन सेवा, अगर ऐसा कोई नशा करेंगे तो वो नशा आपको गिराता नहीं है, वो नशा आपको उठा देता है। इसलिए बाबा बलराम जी महाराज के नेत्र लाल किसमें है,
बोले कि भगवान के रूप माधुर्य का दर्शन करते रहते हैं। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गवनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अच्छा, आप लोगों ने लौकिक प्रेम की भी भाषा सुनी होगी। कई लोग जब बहुत प्रेम करते हैं तो पता है क्या कहते हैं, आई कांट लिव विदाउट यू, यू डोंट नो हाउ मच आई लव यू, आई कांट। और ये प्रत्येक शायर, वो जो प्रेमी है अपनी प्रेमिका से और प्रेमिका अपने प्रेमी से एक दो बार तो कह ही देते हैं। और जबकि ईमानदारी है कि इनमें से कोई मर जाए, कोई मरेगा नहीं उसके साथ, कोई नहीं मरने वाला, बट हमेशा क्या कहेंगे, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई लाइफ, नॉट ओनली वाइफ, यू आर माई लाइफ, तुम मेरी जिंदगी हो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, इस संसार में कोई किसी की जिंदगी हो सकता है? हैं? क्या उसी समय हमको सावधान नहीं हो जाना चाहिए, जब कोई कहता है यू आर माई लाइफ तभी सावधान हो जाओ कि झूठ बोल रहा है। हाँ, तुम्हारी लाइफ सिर्फ परमात्मा है, तुम्हारी लाइफ सिर्फ गोविंद है, यू कांट लिव विदाउट हिम, आई प्रोमिस यू, यू कांट लिव विदाउट हिज ब्लेसिंग्स, विदाउट हिज कृपा, बिकॉज ही इज वेरी काइंड, उसकी कृपा पर हम और तुम जिंदा हैं। तो जब संसार वाले ये कहें कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, तो समझना नंबर वन का झूठा तेरे भाग्य में लिखा है।